हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक स्पेशल मसाला लेके आई हूँ जो अचारी मसाला होता है। वो लाल मिर्च और हरी मिर्च के लिए स्पेशल मसाला तैयार करना मैं बताऊँगी आपको। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं ले रही हूँ 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच राय ले ली हूँ, 2 चम्मच पीली सरसों ले ली हूँ, 2 चम्मच धनिया ले ली हूँ साबुत। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 2 चम्मच मेथी दाना ले ली हूँ मैं और 1 चम्मच काली मिर्च ले ली हूँ और 1 चम्मच अजवाइन ले ली हूँ। इन सभी को अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी और अच्छी तरह से रोस्ट करके और फिर फाइन पाउडर बना लूँगी। जीरा डाल देती हूँ 1 चम्मच। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से रोस्ट करके और फिर मिक्सी के जार में डाल के पीस लूँगी। रोस्ट इसलिए कर रही हूँ कि इसकी नमी निकल जाए। आप धूप में भी रख सकते हो। अच्छी तरह से रोस्ट हो गया, मैं प्लेट के अंदर डाल लेती हूँ और थोड़ी देर ठंडे होने के बाद में मिक्सी के जार में डाल के और पीस लूँगी। तो लीजिए, थोड़ी देर बाद में ठंडे होने के बाद में मैं मिक्सी के जार के अंदर डाल ली हूँ, अब पीस के तैयार कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर ही मसाले ऐड कर देती हूँ। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे अचार के अंदर अच्छा कलर आएगा क्योंकि लाल मिर्च और हरी मिर्च का अचार डाल रहे हैं इसके अंदर तो। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देती हूँ और नमक स्वाद अनुसार डालना है। 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ। और 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देती हूँ। लाल मिर्च का अचार डालो या हरी मिर्च का अचार डालो, यही मसाला अच्छा रहेगा दोनों के लिए। मैं इसके अंदर 1 आधी चम्मच काला नमक डाल देती हूँ और हींग डाल देती हूँ 1/2 चम्मच। अब इन चीज़ों को सभी को मिक्सी के जार में पीस के तैयार कर लूँगी। एकदम दरदरा दरदरा बंद करना है और चलाना है, बंद करना है चलाना है, एक साथ नहीं पीसना है क्योंकि इसको दरदरा मसाला ही बनाना है इसलिए। तो लो, मैं बना के तैयार कर ली, आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस मसाले की। देखिए, ना तो मोटा है ना बारीक है, मीडियम है, एकदम अच्छा वाला मसाला बन के तैयार हो गया। अब मैं एक बाउल ले लेती हूँ और बाउल के अंदर डाल देती हूँ, मिक्सी के जार से बाउल के अंदर डाल देती हूँ और इसके अंदर बाकी बचे मसाले भी डाल देती हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया है मसाले का। अब मैं इसके अंदर कलौंजी डाल देती हूँ। कलौंजी को ना तो पीस सकते हैं और ना इसे रोस्ट कर सकते हैं इसलिए कलौंजी को साबुत ही डालना है और कलौंजी को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। एकदम चटपटा चटकारेदार अचार का मसाला बन के तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर 3 नींबू का रस निचोड़ देती हूँ। आप इसके अंदर सिरका भी डाल सकते हो या नींबू का रस डाल सकते हो, मैं इसके अंदर नींबू का रस ही डाल रही हूँ, सिरका नहीं डाल रही। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। एकदम टेस्टी मसाला बन के तैयार हो गया और बस लाल मिर्च के अंदर भर लीजिए मसाला। लाल मिर्च और हरी मिर्च के अंदर भर लीजिए मसाला, अच्छी तरह से मिक्स करके। और फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी, जो सरसों का ऑयल गरम करते हैं अचार के लिए वही, 2-3 चम्मच डाल देती हूँ। अचार बनाते समय ऑयल गरम करते हैं वही ऑयल डालना है इसके अंदर 2-3 चम्मच डाल के और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। देखिए एकदम सुपर टेस्टी अचारी मसाला बन के तैयार हो गया। आप इसे लाल मिर्च में भरिए और हरी मिर्च में भरिए, बहुत टेस्टी अचार बन के तैयार होएगा। नवे रसोई के अंदर आपको लाल मिर्च के अचार के मसाले की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना
क्योंकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ।